जय दोस्तों, जय महाकाल। स्वागत है आपका पहलवानी वर्सेस बॉडी बिल्डिंग चैनल पर। दोस्तों, सभी को इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, इस योगा डे पे आपको एक स्पेशल गिफ्ट जो कि समतोला है। समतोला आज तक आपने लंबे वाला देखा, दो मुट्ठी वाला देखा, लेकिन समतोला जोड़ी क्या है, आज मैं आपको परिचित कराऊंगा समतोला जोड़ी से। ये देखिए दोस्तों, इसको बोलते समतोला। इन्हें दिखने में आप बोलेंगे कि ये काफ़ी हद तक डंबल की तरह लग रहा, तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सोच रहे। इसका इतिहास, जब अंग्रेज यहाँ पर आए, अपने हिंदुस्तान की कला तो लेके ले गए ही गए, पहलवानी को भी आज वो लोग अपना रहे, जो कि क्लबल्स बोल के बोल रहे वो लोग, ठीक है अपनाने दो। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ अपनी संस्कृति से। देखिए दोस्तों, पहलवानी अपनी संस्कृति का एक हिस्सा है। ये सिर्फ वर्जिश नहीं है, ये अपनी संस्कृति का एक हिस्सा है। हिंदुस्तान में एक से एक महारथी थे, जहाँ पर कम से कम 200 साल के लिए तो भी बैंड किया गया था पहलवानी को, क्षत्रिय प्राणायाम को, योगा को। लेकिन वो लोग सीख के जाके उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना के आज करोड़ों रुपए कमा रहे। और दोस्तों, आते हैं मेन मुद्दे पे। इसको समतोला क्यों बोला जाता है, ये है दोनों जगह से इसका वजन बराबर रहता। जैसे कि आज जो लोग बेंच प्रेस मारते बारबल बल के बलते, डम्बल बल के बलते, साइडों में जो छोड़ा था वहाँ पे बराबर लगा के बेंच प्रेस मारते, डंबल प्रेस मारते, ट्राइसेप्स मारते, कई सारे चीज़ें करते। लेकिन इसकी पैदावार, हमें गर्व है कि ये हिंदुस्तान की कला है, जो कि आज इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रही है आप लोगों के सहयोग से। और चाहे इसका नाम डंबल लगा लो, समतोला लगा लो, है तो ये हिंदुस्तान की ही पैदाइश, ठीक है दोस्तों। ये बनाने का कारण क्या है, जैसे अपन लोग भस्त्रिका मार रहे थे मुद्गल से, डबल भस्त्री का, उसके अंदर थोड़ी परेशानी आ रही थी। परेशानी आने से मैं मेरे पिताजी को बोला कि और क्या है इसके अंदर, और क्या है इसके अंदर, मतलब अपने जो क्षत्रिय प्राणायाम के अभ्यास और क्या कर सकते। तो मेरे को बोले कि समतोला बना के एक बार तुम देखो, और वो दो दिन करने के बाद में मेरे को रिजल्ट बोलना। तो दोस्तों, इससे मेरे शोल्डर में और फोरआर्म्स में एक अजीब ही यानी मैं आपको बयान नहीं कर सकता, उतना कसाव महसूस हो रहा है मेरे शोल्डर में, हाथों में। और इसको करने का स्टार्टिंग में अभ्यास भस्त्रिका से कैसा करना, आपने देखा होगा कई अखाड़ों में ये मारते रहते हैं। दोस्तों, ये भस्त्रिका ही का ही एक रूप है। भस्त्रिका इसके बाद में इसका यहीं पे ख़त्म नहीं होता दोस्तों। इसके जैसे कि आप देखे होंगे कई सारे जिमों में ये मारे आर्म्स, ये तो है ही है, ये चेस्ट प्रेस मार लिए, डंबल प्रेस मार लिए, तो है ही छे। इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, वो लोग डंबल से वजन उठा के वर्कआउट करते, लेकिन हमारे पूर्वज इससे अभ्यास क्या करते थे, वर्कआउट में और अभ्यास में ज़मीन आसमान का फर्क है। इसको लेके वो लोग खेला करते थे बड़े बड़े, ये तो सिर्फ 2.5 से 3 किलो का है, बड़े बड़े समतोले आज भी कई सारे अखाड़ों में मौजूद है, जिसको आज भी कई बड़े बड़े पहलवान लेके खेला करते हैं। और इसको घुमाने का तरीका कई है, मैं आज से 2 या 3 शेयर करूंगा आने वाले वीडियोस में, आपको मैं और बताते रहूंगा। तो देखिए, यह है बगली, स्पेशली लंग्स के लिए, शोल्डर के लिए, एल्बो पेन के लिए, रिस्ट के लिए। उसके बाद हो गया ये, एक और कठिन अभ्यास दोस्तों, जिसके अंदर अपने हाथों को स्थिर रखकर आपके कलाइयों को घुमाना है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर कई सारे अभ्यास कर सकते हैं हम, और आने वाले वीडियोस में आपको मैं शेयर करता रहूंगा। आप लोगों के सहयोग से ही ये कला वापिस आ रही अपने देश में, अपने युवकों में, यहाँ तक कि कई सारे बुजुर्ग मेरे को कॉल कर रहे हैं। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। बिना आपके सहयोग के दोस्तों, हम कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद हमारे साथ इसी तरह बनाए रखिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी, जानकारी मिली, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल।